दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब की स्पष्ट मंशा है कि राजस्थान में आर्थिक गतिविधियाँ चालू हों और जो लोअर मिडिल क्लास है जो मध्यम वर्गीय है, जो ठेले वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, वो काम पर लगे. देखने में आया कि अजमेर में अभी भी कुछ जगह पर कर्फ्यू लगे हुए हैं, जबकि लंबे समय से अजमेर में उन कर्फ्यू एरियाज में भी अब कोई पॉजिटिव केस कोरोना के नहीं आ रहे हैं. उनको देखते हुए सरकार चाहे तो कर्फ्यू हटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लॉकडाउन बेशक वो रखें उनकी यदि आवश्यकता हो तो, लेकिन कर्फ्यू हटा करके गतिविधियाँ प्रारंभ हो. आज भी मैंने प्रशासन को पत्र लिखा है, खोलीदड़ा, अंदरकोट आदि जो दूसरे एरिया कर्फ्यू लगे हुए हैं उनका कर्फ्यू हटाया जाए. इसी प्रकार से आगरा गेट पर सब्जी मंडी है जो 2.5 महीने से बंद पड़ी है, और जो खुदरा व्यापारी है सब्जी बेचने वाला, वो आज 2.5 महीने से बिना धंधे के बेरोजगार बैठा है, और अब स्थिति उसकी भूखों मरने की आ गई है. तो मेरी प्रशासन से अपील है कि इसको गंभीरता से लेकर के आज कल तक इसको अवश्य खोले, ताकि जनता में आक्रोश नहीं हो और जनता सड़कों पर नहीं आवे, और साथ ही जनता अपना काम भी कर सके, और जो गहलोत साहब की मंशा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, उस हिसाब से आर्थिक गतिविधियाँ चल सकें. अरे मैं घर पे नहीं हूँ, शायद मेहताब से बात हो गई मेरी. उसमें क्या हम मुझे तेरी जैसा थोड़ी बताई कि भाई